एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्राइडे मॉर्निंग को मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है। ये एक वीकेंड व्लॉग है। ब्रेकफास्ट में मैंने एवोकाडो पराठे बनाए हैं और सिया के लिए स्नैक्स एंड वाटर बॉटल फिल कर दिया है। और अभी हम लोग सिया को उसके बस स्टॉप पे ड्रॉप करने आए हैं। वो स्कूल चली गई है। घर वापस जाकर मुझे जल्दी से काफ़ी सारे काम फिनिश अप करने हैं, क्योंकि आज मेरा फिजियोथेरेपी का सेशन है। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्नैक्स पैक किया है और फ्रूट रख लिया है, तो ये मैं साथ में लेकर जाऊँगी और भूमि को भी मैं साथ में लेकर जाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं फ्रूट्स वगैरह स्नैक्स वगैरह कट करके रख के जा रही हूँ, और कुछ मैं अपने बॉक्स में डाल के ले जाऊँगी, क्योंकि लौटते टाइम लंच का टाइम हो जाएगा और भूमि को भूख लगेगी, तो मैं कार में ही उसको खिला दूंगी। और आप में से कई लोगों ने मुझे पूछा है कि मैं कैसी हूँ। मैं ठीक हूँ गाइज, और थैंक यू फॉर आस्किंग। मैं डिटेल में शेयर करूँगी इस टॉपिक को। अभी मेरी जो फिजियोथेरेपी ट्रेनर हैं वो मुझे कुछ एक्सरसाइज वगैरह करवा रही हैं। इन एक्सरसाइजेस को भी मैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि मेरे पास मैसेज आए हैं आप में से कई लोगों को लोअर बैक पेन जैसे मुझे हो रहा है, वो प्रॉब्लम है। सो मैं इसको डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी। और उसके बाद फिर अभी हम लोग आफ्टरनून में सीधे सिया को पिक करने के लिए आए हैं, क्योंकि वो स्कूल से आने वाली होगी, तो मैं 5-10 मिनट पहले ही आ जाती हूँ। इस बहाने भूमि थोड़ा इधर उधर घूम लेती है और उसका भी मन लग जाता है। तो सिया का हम वेट कर रहे हैं और थोड़ा बहुत वॉक कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको लेकर घर जाएंगे। सो घर वापस आकर मैं यहाँ पर पाव भाजी बनने के लिए रख रही हूँ, और मेरे पास बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं हैं। सिंपली आलू, गाजर, थोड़ी बहुत शिमला मिर्च, मटर वगैरह ऐड करके मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो मैंने आलू गाजर को वॉश करके और इसमें थोड़ा सॉल्ट और पानी डाल के 2 विसल्स लगाने के लिए रख लिया है। ऑन द अदर हैंड सिया को भूख लगी है काफ़ी। फ्राइडे को इनका काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो यहाँ पर मैं पैनकेक्स बना रही हूँ, जो कि उसके वन ऑफ द फेवरेट हैं और सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है उसकी। उसको मिक्स करना, उसको बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है ऐसे मिक्सिंग एंड एवरीथिंग। तो बस मैं बटर लगा दूंगी थोड़ा सा और पैनकेक्स हम लोग सेक लेंगे। आज वो पैनकेक्स बनाने के लिए फर्स्ट पैनकेक उसको बनाना है बोल रही है, तो मैं उसको थोड़ी हेल्प कर रही हूँ। सो यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए दूध गर्म किया है, वहाँ पर वेजिटेबल्स बॉयल हुई हैं, पैनकेक्स भी बन गया है, तो इन लोगों को दूध के साथ मैं सर्व कर दूंगी। और मैंने थोड़ा मिल्क और गर्म कर लिया है, तो मैं क्विक कॉफ़ी बनाने वाली हूँ, इंस्टेंट काइंड ऑफ। तो मैंने 2 कप्स लिए हैं, उसमें मैं थोड़ी सी शुगर डालूंगी, उसके बाद 1 टीस्पून कॉफ़ी डालूंगी दोनों में, और उसके बाद खौलता हुआ दूध डाल दूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी, और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऊपर से डाल दूंगी, तो कि दिखने में अच्छा लगे। और देखिए हमारी इंस्टेंट कॉफ़ी रेडी हो गई है। इस तरह से मैं बनाती हूँ कभी कभी कॉफ़ी पीने का मन हो और अच्छी बन जाती है। ये प्रॉपर कॉफ़ी नहीं है, लेकिन जो हाँ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं बॉक्स के ऊपर मैं वो फॉलो कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, उसके बाद मैं बच्चों को लेकर बैठी हूँ थोड़ी देर, और मैं इन लोगों को बुक रीडिंग करके सुना रही हूँ। भूमि को भी मैं बिठाती हूँ अपने पास ही, तो इससे वो भी काफ़ी चीज़ें लर्न करती है सिया के साथ साथ। तो दोनों को मैंने आज ये बेयर वाली स्टोरी सुनाई है, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। और यहाँ पर सब्जियाँ जो हैं अच्छे से बॉईल हो गई हैं, उनको मैंने मैशर की हेल्प से मैश कर दिया है। डिटेल रेसिपी पाव भाजी की शेयर नहीं कर रही हूँ, बहुत बार की हुई है, तो बस जो भी चॉपिंग वगैरह चाहिए वो कर ली है। और उसके बाद मैंने थोड़ा बटर लिया है, थोड़ा ऑयल, उसको गर्म करके अनियन और सारी शिमला मिर्च वगैरह इनको पका लिया है, और इस तरीके से मैंने पाव भाजी रेडी कर ली है। और आप में से किसी ने सजेस्ट किया था कि मैं ये वाले बंस लेकर आऊँ, हॉट डॉग्स वाले, तो मैं लेकर आई, अच्छा लगा इनका टेस्ट, फॉर अ चेंज। तो इनको मैंने बटर लगा के सेक लिया है, जैसे पाव भाजी बंस को सेकते हैं, और अच्छे टेस्ट के लिए थोड़ा सा पाव भाजी मसाला अगर बंस के ऊपर डाल के सेक लिया जाए तो और भी ज़्यादा टेस्ट एनहेंस हो जाता है। तो बस सर्व हो गई है पाव भाजी अनियन और बटर के साथ, और ये हो गया हमारा फ्राइडे स्पेशल डिनर।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी सैटरडे मॉर्निंग है और रात को मैं अकेले बैठ के एक मूवी देख रही थी। पुष्पेंद्र, बच्चे सब लोग रात को सो गए थे, लेकिन मैंने मूवी देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाए हैं पुष्पेंद्र ने आज ब्रेकफास्ट में, और हैश ब्राउन्स सी और भूमि के लिए प्लेन स्क्रैम्बल्ड एग्स बना दिए थे। तो इस तरीके से सैटरडेज़ को यूजली वो ट्राई करते हैं कि ब्रेकफास्ट बनाएं, अनटिल एंड अनलेस कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ना आ जाए ऑफिस की तरफ से या कोई मेल वगैरह सेंड ना करने हो। और गर्मा गर्म चाय लेके हम लोग बैठ गए हैं डाइनिंग एरिया में, और उसके बाद आराम से रिलैक्स करते हुए फ़ोन पे भी बात कर रहे थे घर पे, और ब्रेकफास्ट कर लिया। और उसके बाद थोड़ी बहुत क्लीनिंग करनी थी मुझे, तो फ्रिज के ऊपर का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा हो गया था, कुकिंग होती है तो जाता है धुआं वगैरह वहाँ पे, तो इसको पूरा मैंने अच्छे से पोंछ दिया है सो दैट यहाँ पे जगह होती है तो मैं कुछ ना कुछ रख ही देती हूँ। और उसके बाद मैं शीट्स वगैरह चेंज करूँगी, उसके बाद बच्चों को शावर दिलाया, खुद भी शावर लेके रेडी हुई। और सैटरडे लंच में मैं थोड़ी एक्सपेरिमेंट कुकिंग करने वाली हूँ, तो प्रीवियस डे की प्रिपरेशंस दिखाती हूँ। मैंने उड़द दाल आधा कप ली थी, उसको 3-4 घंटे के लिए सोक किया था, और राजमा लिया था आधा कप, उसको ओवरनाइट सोक किया था। तो वैसे तो मैं बनाने वाली हूँ दाल मखनी, उसके लिए साबुत उड़द दाल चाहिए, लेकिन साबुत मेरे पास थी नहीं तो मैंने स्प्लिट वाली ही ले ली है। और आज मैं दाल मखनी बनाने का ट्राई करने वाली हूँ, जो ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, एक सिंपल वर्जन है। तो यहाँ मैंने दाल और जो राजमा है उसको अच्छे से वॉश करके, और उसको मैं 8 विसल्स के लिए प्रेशर कुकर में पका लूँगी। और मैंने बॉईल करते टाइम सॉल्ट नहीं डाला है। और तड़का तैयार करते हैं, तो यहाँ पर मैंने पैन में मस्टर्ड ऑयल गरम किया, हींग, जीरा और जो भी खड़े मसाले हैं मेरे पास वो सब ऐड कर दिए हैं। उसके बाद अनियन, जिंजर, गार्लिक को मैंने फाइन चॉप करके इस पैन में डाला है। आप चाहें तो थोड़ी सी ग्रीन चिली भी साथ में फाइन चॉप कर लें, लेकिन बच्चों की वजह से मैंने नहीं डाली है। उसको फ्राई किया एंड देन मैंने टमाटो का प्योरी बना के ऐड कर दिया है। और मसालों में मैं हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा किचन किंग मसाला ऐड कर रही हूँ। और साथ ही इसको मैं कवर करके कुक करूँगी कम फ्लेम पे। इसके बाद देखिए मसाला पकने लग गया है। उसके बाद हम इसमें जो हमने दाल अभी पकाई थी वो ऐड कर दी है, और थोड़ा सा जो कुकर में लगा रह गया उसमें मैं पानी डाल के वो भी मिक्स कर दूँगी। उसको अच्छे से मिक्स कर देना है हमको, और सॉल्ट ऐड कर दूँगी एज़ पर द टेस्ट मैं यहाँ पर। और दाल मखनी को मैंने थोड़ा टेस्ट करके देखा तो मुझे डाउट था, वो सही निकला, सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा आलू चॉप करके ऐड किया है, और हम इसको 15 से 20 मिनट स्लो फ्लेम पे पकाएंगे अच्छे से। और ये वाली टिप ना मैंने अभी रिसेंटली कोई बॉलीवुड मूवी में देखी थी, शर्मा जी नमकीन की, ऐसे आलू ऐड कर दो तो सॉल्ट अगर ज़्यादा हो जाए तो बैलेंस हो जाता है। तो मैंने ऐड करके देखा और इसको अच्छे से पकने दिया है हमने, तो दाल मखनी रेडी हो गई है। और लास्ट में मैं थोड़ी सी मलाई से इसको गार्निश करूँगी। एंड गाइस ये टिप सही थी, अगर आलू ऐड कर दिया है तो दाल का जो नमक है वो एकदम बैलेंस हो गया है। इसको मैंने मिक्स कर दिया है और ये हमारी यमी सी दाल मखनी रेडी हो गई है। सो लंच करने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, उसके बाद अभी शाम का टाइम होने वाला है, हम लोग इंडियन स्टोर जा रहे हैं। और आज पटेल स्टोर नहीं जा रही मैं, आज हम लोग एक नए इंडियन स्टोर जा रहे हैं, हाउस ऑफ द स्पाइसेस ऑरलैंडो, जो आप में से ही किसी सब्सक्राइबर फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था, थैंक यू फॉर दैट। यहाँ पर जाके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इनफैक्ट यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस थे जो मैंने देखे, और यहाँ पर ना एक नया एक ऑप्शन देखा मैंने, चाय पराठा, तो मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाला था जिसमें आपके काफ़ी कमेंट आए थे। तो ये देखिए चाय पराठा, मन तो किया कि ले लूँ, लेकिन पुष्पेंद्र कह रहे क्या करोगी इसका, तो फिर मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद हम लोग आए ऑनेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ऑरलैंडो, और जो भी ग्रॉसरी ली है वो घर जाके आपको दिखाऊंगी। तो ऑनेस्ट रेस्टोरेंट है जो इसकी यूएस में कई सारी ब्रांचेज हैं, शिकागो में भी थी, आई थिंक ऑनेस्ट शिकागो में हम लोग कभी नहीं जा पाए, इनफैक्ट हम शिकागो में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर कर चुके हैं बट ऑनेस्ट वाला रह ही गया था। यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो यहाँ वाले में जाके देखते हैं। तो एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है और जो स्ट्रीट स्टाइल फूड होता है वो यहाँ पर मिलता है। तो हमने यहाँ पर चिली पनीर ऑर्डर किया, और उसके बाद वेज हक्का नूडल्स, और हमने यहाँ पर ये पाव भाजी ऑर्डर किया। बेसिकली कंप्लीट हमारा डिनर हो गया, अर्ली डिनर एक्चुअली, तो बच्चों ने भी ठीक से खा लिया। और अगर आपको स्ट्रीट स्टाइल फूड खाना पसंद है तो आप यहाँ जाके ट्राई कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, खाना भी अच्छा था। उसके बाद सीधे हम लोग घर के लिए आ रहे हैं, और ये ऑरलैंडो डाउनटाउन है,
आप में से कई लोगों ने पूछा था कि मैं ऑरलैंडो में कहाँ रहती हूँ, तो हम लोग सबर्ब्स में रहते हैं, ये मेन डाउनटाउन है और हम लोग आउटर वाले एरिया जो है वहाँ रहते हैं। वहाँ का जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, हस्बैंड का ऑफिस भी वहाँ से पास है। तो ये है सारी ग्रॉसरी हम लोग जो लेकर आए हैं, इसके बाद इसको अरेंज करना। सो आइए मैं आप लोगों को अपना इंडियन वीकली ग्रॉसरी हॉल दिखा देती हूँ। एक डब्बा है देसी नेचुरल दही और साथ में है एक डब्बा डोसा बैटर का, उसके साथ ही एक पैकेट है ये रागी फ्लार, तो मैं सिया और भूमि के लिए ये इंक्लूड कर सकूँ पराठों वगैरह में, इसलिए हरी मिर्च लेकर आई हूँ। और ये है नेस्ले स्वीट एंड कंडेंस मिल्क का एक कैन, और साथ ही ये है टी रस्क जो कि बेक्ड है, और चाय के साथ मुझे रस्क खाना बहुत पसंद है। और ये है बाती दिए वगैरह जलाने के लिए, बंसी का जैगरी है ये, और साथ में है एक अनियन का पैकेट, और ये है पम्पकिन, एक लौकी है, और एक डब्बा है किसान मिक्स फ्रूट स्प्रेड जैम का, और इसके साथ ही ये है बैंगन, और कुछ लेमन्स हैं, हरे धनिए के दो बंडल हैं, और साथ में है स्प्रिंग अनियंस, और ये है क्लासिक कैम्फर कपूर, और साथ में धूप का एक पैकेट है, और एक है ये टमाटो सॉस का बॉटल, और शिमला मिर्च है, साथ ही ये है वाइट रसगुल्ले बच्चों के लिए, और स्वीट्स में है ये जलेबी एक और, तो सिया और भूमि को जलेबी खाना बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये पुष्पेंद्र लेकर आए हैं दाल कचौड़ी, और ये डीप फ्राई कर सकते हैं या फिर बेक कर सकते हैं। क्यूमिन सीड्स का एक पैकेट है, मसूर दाल का एक पैकेट है, और एक पैकेट है वेज हक्का नूडल्स का, साथ ही रतलामी सेव हल्दीराम्स की, वीको वज्रदंती टूथपेस्ट है, और बस यही सारी ग्रॉसरी है गाइस। और डिनर हमारा अर्ली हो ही गया है, उसके बाद हम लोग जा रहे हैं ट्रेल पे। तो मैं कई सारे व्लॉग्स में बता भी चुकी हूँ आपको, पुष्पेंद्र पहले बच्चों को ले जाते हैं वहाँ पर और वो लोग राइड्स पे प्ले करते रहते हैं, मैं भी वॉक करते करते वहाँ पहुँचती हूँ, और इस बहाने मेरी काफ़ी वॉक हो जाती है। सो यही था गाइज मेरा वीकेंड व्लॉग, और मैं व्लॉग सैटरडे नाइट को ही एंड कर रही हूँ अभी, और संडे को मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, कुछ और पेंडिंग काम है वो सब मुझे फिनिश करने हैं। ये ट्रेल बहुत ही सुंदर है, मुझे यहाँ जाकर बहुत पीसफुल लगता है, बच्चे भी इंजॉय करते हैं, हम लोग भी एज अ फैमिली टाइम स्पेंड कर पाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, आप सब लोग अपना ख्याल रखिए।